लखनऊ क्राइम ब्रांच और थाना आलमबाग की पुलिस टीम द्वारा चार टप्पेबाजों की गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम है तालिब अब्बास, अबूजर खान, नजर अब्बास और इब्राहिम जाफरी। ये बहुत ही शातिर टप्पेबाज हैं जिनका गिरोह अंतर्राज्यीय है और अलग अलग स्टेट्स में जाके, अलग अलग जिलों में जाके टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। ये पुलिस खुद को पुलिस वाला बता के, क्राइम ब्रांच का दरोगा बता के भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं और उनके कीमती आभूषण को बदल कर उनको नकली सामान देकर टप्पेबाजी करते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी बैंक में जाकर ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। ज्वेलर्स की दुकान पे घुसकर आभूषण देखने के नाम पर आभूषण निकलवा के टप्पेबाजी करते हैं। और इस ये बहुत ही बड़ा गैंग है, बहुत पहले से ये सक्रिय रहा है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी पता कर रहे हैं। फिलहाल 11 मुकदमे हैं जो इसमें, 7 मुकदमे खोले गए हैं और साथ ही साथ सभी 7 मुकदमे में इनकी संलिप्तता पाई गई है। ये आलमबाग, सरोजनी नगर, कुडम्बा, जानकीपुरम, बीकेटी, अलीगंज, हजरतगंज से मुकदमे हैं इनके ऊपर। इनके पास से काफी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। इनके पास से 4 तमंचा, 1 चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में सोने और हीरे के जवाहरात भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनसे और पूछताछ की जा रही है और उसी के हिसाब से इनके ऊपर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे।